वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। सो अभी हम लोग रेडी नहीं हुए हैं, देख रही है अभी हम लोग रेडी होएंगे, उसके बाद हम लोग घूमने चलेंगे। आज मेरे साथ जा रहा मेरा भंजी, अभी हम बिहार में हैं, ये एक भंजी और एक भंजी उधर गया, फिर दीदी लोग रेडी होगा, खाना वाना बना रहा है, सब मिल के हम लोग एक साथ घूमने चलेंगे, बहुत मजा आएगा, देखते रहे हम लोग अब रेडी। ओके बाय बाय, अभी हम रेडी होंगे उसके बाद आपको दिखाएंगे। फाइनली हम रेडी हो गए, मेरा भंजी भी रेडी हो गया, देखिए थोड़ा हाई कर दो। हाय, मेरा भंजा है वो कब से इस तरह कर रहा है। ये मेरा भंजी वो पीछे से बाल चिक कर रहा है। ओके फिर चलते हैं, आप लोगों को दिखाते रहेंगे कैसा लगेगा, लाइक कीजिए। जाओ जाओ, बैठो 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 बैठो, जल्दी बैठो। देखिए मैं दीदी यहाँ पर बैठा हुआ है, सामने मेरा नया चलो पेट्रोल डलवाना हो गया। ये जो होटल देखने को मिला है बहुत सुंदर से सजा हुआ है, और भी बन रहा है, नया नया होटल बन रहा है। यहाँ पर आप लोग रह के यहाँ पर आप घूम सकते हैं, ये टूरिस्ट पॉइंट इलाका है, यहाँ पर बहुत जगह जगह से आदमी लोग आते हैं। यहाँ पर पास में शॉपिंग मॉल भी मिलेगा, और भी बन रहा है, देखिए ये रिसोर्ट है, देखिए ये यहाँ का सबसे बड़ा, ये यहाँ का सबसे बड़ा तालाब है, पुकुर है, जो भी आप लोग समझ रहे हैं, पुकुर है, पुकुर है ना, क्या बोलते हैं हम पता नहीं, पोखरा है ये पोखरा, देखिए। हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं, तो फिर अभी हम लोग गाड़ी से उतरने वाले हैं, बहुत खुशी लग रहा है, बहुत दिन बाद यहाँ पर आए। अरे मेरे भैया को भी तो दिखाइए, ये है मेरा भाई, सबसे मेरा नाता उसमें जाएंगे। हेलो गाइस, आप लोग को क्या उतरना नहीं है क्या, गाड़ी में बैठने बैठ रहना है, यहाँ कहेंगे उसको फिर से बैठ के दूसरा जगह में जाना चाहेंगे हम लोग। ये जो आप लोग को देखने को मिल रहा है, ये बहुत बड़ा तालाब है, पुकुर है, यहाँ पर पानी हमेशा यहाँ पर पानी रहता है। लेकिन यहाँ पर मेरा कैमरा का क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है, फिर भी हम बना रहे हैं, अगर आप लोग मेरे साथ रहेगा तो इससे भी अच्छा अच्छा वीडियो बनाते रहेंगे। सो एक नया अच्छा सा कोई फ़ोन खरीद के लिए, चलिए आप लोग को हम चारों तरफ घुमा देते हैं, क्या है नहीं है सब दिखाते रहते हैं हम। देखिए चारों, लेकिन अच्छा है, लेकिन मंदिर सच में बिहार में लेकिन बहुत गर्मी है, बहुत बहुत गर्मी है। हम लोग का सिलीगुड़ी में इतना गर्मी नहीं है, लेकिन बिहार में बहुत गर्मी है, तो बिहार में पड़ता है वैशाली जिला पड़ता है। वो जो आपको देखने को मिल रहा है वो एक भाटा है, ये क्या लिखा है आप लोग को पता होगा, हमको इतना हिंदी नहीं आता इसलिए हम दिखा दिया, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अरे वाह कितना गर्मी है, बहुत गर्मी है, नीचे पैर नहीं रख पा रहा, देखिए ना बहुत गर्मी है। आ गए, देखो ऊपर से हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं कैसा है, देखिए ये नज़ारा बहुत अच्छा। क्या हुआ आपको, तो क्यों बैठे, चले चले, बहुत ज़्यादा है भाई, वो तो पता है बिहार में धूप ज़्यादा होता है, चले चले ऊपर चले, घूमना है, घूमना पड़ेगा ना, बैठने से होगा फिर भी। तो
ये देखिए देखिए छोटा बच्चा नीचे घुमा दिया, ऊपर घुमा दिया और भी ऊपर आ गया। हमने ऊपर पीछे भी एक बुद्धिस्ट टेम्पल है, देखिए बुद्धा मंदिर है ये है। देखिए आदमी लोग आया घूमने के लिए, फोटो वोटो खिंचवा रहा है सब लोगों ने। देखिए इधर सब लोग यहाँ से फोटो खींच रहे हैं। देखिए बहुत गर्मी है, ये देखिए ये देखिए बुद्धा कैसे बैठा हो। जितना सर आपको बुद्धिस्ट टेम्पल मिलेगा उधर टेम्पल के पास में आपको ये देखने को मिलेगा, बात होगा ना क्या। ये बुद्धिस्ट मॉनेस्टर है, ये टेम्पल है बिहार का, जो पड़ता है वैशाली में, वैशाली जिला में पड़ता है। चलो तरह बहुत सुंदर सुंदर सा नज़ारा है। यहाँ पर आप लोगों को घुसने के लिए कोई एंट्री फीस नहीं लगेगा, ओनली फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ फ्री में मिल जाएगा। मतलब आप जहाँ पर बैठिए घूमिए यहाँ पर कुछ पैसा नहीं लगता है, फ्री में आप लोग को हो जाएगा, कुछ पैसा नहीं लगता है। कोई दूसरा जगह में जाएगा तो चार्ज लगता है, पैसा लगता है, लेकिन यहाँ पर कोई टिकट कुछ भी नहीं है। आप लोग यहाँ पर आइए सुबह से लेकर शाम तक, खुला रात भरा हो रहा है, गाछ उसे पेड़ पौधे है चारों तरफ, बहुत सुंदर है। देखिए आदमी लोग भी आए यहाँ पर घूमने के लिए, बहुत जगह से आदमी लोग आता है यहाँ पर, टूरिस्ट पॉइंट है ये, बहुत जगह से आदमी लोग आता है यहाँ पर घूमने के लिए, बाहर देशों से भी यहाँ पर आदमी लोग आता है। सो उन लोगों को हमने मैंने पीछे छोड़ के आ गया क्योंकि हमको वीडियो वीडियो बनाना है। सो उन लोग कसरत रहेंगे तो वीडियो बना नहीं पाएंगे, इसलिए हम वीडियो बनाने के लिए हम आगे चले आए। देखिए भरा हो रहा है, गाछ उसे पेड़ पौधे है चारों तरफ, बहुत सुंदर है। देखिए आदमी लोग भी आए यहाँ पर घूमने के लिए, बहुत जगह से आदमी लोग आता है यहाँ पर, टूरिस्ट पॉइंट है ये, बहुत जगह से आदमी लोग आता है यहाँ पर घूमने के लिए, बाहर देशों से भी यहाँ पर आदमी लोग आता है। सो उन लोगों को हमने मैंने पीछे छोड़ के आ गया क्योंकि हमको वीडियो वीडियो बनाना है। सो उन लोग कसरत रहेंगे तो वीडियो बना नहीं पाएंगे, इसलिए हम वीडियो बनाने के लिए हम आगे चले आए। देखिए ये आपको ऊपर से पूरा शूट करके दिखा रहे हैं। देखिए बहुत सुंदर है, लेकिन देखिए इधर से इधर देखिए, ऊपर से देखिए। ये जो बुद्धिस्ट टेम्पल का पास में आप लोग को छोटा छोटा दुकान देखने को मिलेगा, बहुत डॉल सारे मिलेगा, आप लोग यहाँ से खरीद भी। अभी हम बोट में बैठने वाले हैं, देखिए सब चलो 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 सब मिलके चलो बैठ पूरा। जी आपको ठंडा लग रहा है क्या? हैं नहीं, आप गर्मी में बैठे हैं, ठंडा लग रहा है? पानी कैसा है? पानी थोड़ा कुछ बोलिए भैया। नाव कितने बजे से कितने बजे तक खुला रहता है? 7 से 5 बजे तक। सब 50 रुपये करके एक जन के लेते हैं, 50 रुपये फुल राउंड। ठीक है ठीक, ये जो देखने को मिल रहा है ये फुल राउंड घुमा देगा, पर हेड एक जन का 50 रुपये लेगा। आप लोग यहाँ पर आके घूम सकते हैं, पूरा बुक करिएगा तो 300 रुपये में हो जाएगा। ठीक ठीक, देखिए बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, लेकिन तालाब वो तो पता है। ये वो पास में जो एक छो था ना, वो बोले 100 रुपये में पूरा घुमा देंगे आप लोग। यहाँ से लिया था, यहाँ से ले बोल रहा था। डरो मत, डरो मत, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, डरो मत। हम लोग सारे आदमी बैठ गया, सो 300 रुपये करके लिया, पूरा घुमा देगा आप लोग को। आप लोग आइएगा यहाँ पर घूमने के लिए, पानी भी बहुत अच्छा है, साफ सुथरा, ठंडा है, बहुत बड़ा तालाब है। देखिए मछली भी है, बड़ा बड़ा ये सब तैयार है ना। हाँ, जल टंगा हुआ है इसे, इसका नीचे जल टंगा हुआ है। कौन सा मछली मिलेगा? बड़ा
बड़ा बड़ा मछली मतलब क्या क्या कौन सा गिलास सब मिल जाएगा ना। छः बजे आने से मछली मिल जाएगा यहाँ पर। हम से सूट के भी जा सकते हैं। कितना मजा लग रहा है देखिए, पूरा एकदम नाव कितना अच्छे से सजा हुआ है, चारों तरफ फूल ही फूल लगा हुआ है। इधर उधर आराम से सोइए जाइए, बहुत इंजॉय कीजिए। सब अभी उतर रहा है, बहुत डर लग रहा था, सब कोई डर रहा था, नाव जैसे ऐसे ऐसे करके हिल रहा था। कितना करके फोटो, कितना करके डीएसएलआर का फोटो, एक कितना करके, एक पीस करके 15 रुपया, एक पीस 15 रुपया। यहाँ पर आप लोग जगह जगह में कैमरामैन देखने को मिलेगा जो DSLR से फ़ोटो खींचता है, उसके लिए आपको पर हेड 15 रुपये करके लेगा, तो साथ में आपको फ़ोटो दे देगा। इसमें 15 रुपये चार्ज पड़ता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पूरा एडिट करके सब कुछ करके दे देगा, 15 रुपये पर पीस पड़ता है फ़ोटो। आके भी आप यहाँ से फ़ोटो भी खींच सकते हैं, यहाँ पर आपको गिटार भी मिल जाएगा फ्री में, उस गिटार लेकर भी फ़ोटो खींच सकते हैं, वो आप लोग को जो है कपिल फ़ोटो वो भी खींच सकते हैं। ये जो गिटार आपको देखने को मिल रहा है, ये देखिए यहाँ पर गिटार रखा हुआ है एक एक करके। यहाँ पर आप कपिल फ़ोटो खींच सकते हैं, पर 15 रुपये करके लगा, आप यहाँ पर कम सम भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। वो जो हम लोग जो अभी बुद्धा जो मॉनेस्ट्री टेम्पल वो घूम के आए, वो घूमने के बाद जो उसमें पास में ही एक छोटा सा टूट मिल जाएगा यहाँ पर, तो देखते हैं उन लोगों को पूछते हैं यहाँ पर क्या है। भैया ये क्या है, ये बाबा से मिलना है। बाबा जी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भगवान बुद्ध के समाधि, बुद्ध का समाधि है ये। भगवान बुद्ध कहाँ से आए हो? हम आए सिलीगुड़ी से, वेस्ट बंगाल। हम देख रहे सिलीगुड़ी देख रहे हैं आप, बाबा का समाधि है यहाँ पर, बुद्ध का भगवान समाधि है, गौतम सिद्धार्थ। हाँ ऐसा जगह है जो अपने माता प्रजापति को दीक्षा दिए, जगह 500 महिला को दीक्षा दी है, अपने पत्नी को दीक्षा दी है, अमर पाली नगर बधु राज नृत्य की थी उसको दिए है नहीं दीक्षा, और 4 बार वर्षा वास पीटा है। अंतिम सूचना भी यही से दिए कि हम अब मात्र 3 महीना रहेंगे, कुशीनगर चले जाएंगे, कुशीनगर में महापरिनिर्वाण लेंगे। ठीक तो ये जगह कुशीनगर का है। हाँ। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण लिए है, कुशीनगर में उनकी जलाया गया है, और 8 भाग में 80 को बांटा गया था, ये 1 भाग यहाँ राजा लिखी को मिला था 563। ठीक एक सोना के पति, एक तामा के पति, एक कांस्य के, हाँ। सोने के कलश मिला था। ठीक तो उन्हें तो निकला तो पटना में, फिर पटना से अनुमति हो गया कि जहाँ की संपत्ति है तो ये रहना चाहिए, तो 72 एकड़ सरकार जमीन लेकर देख ले लो कि आप सब जो बोल रहा है। हाँ हाँ सब मकान, अरे ये बहुत बड़ा म्यूजियम बन रहा है 72 एकड़ में। कहाँ पर बन रहा है ये? सामने बन रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, हो रहा है, हो जाएगा साल डेढ़ साल में हो जाएगा कंप्लीट। दिन रात काम चालू रहा। हाँ। हो जाएगा, इतना बड़ा निजियम कहीं नहीं है पूरे विश्व में नहीं है, 72 एकड़ 8 एकड़ 80 एकड़। हाँ वो तो बहुत बड़ा म्यूजियम बन रहा है, सबसे बड़ा ही होगा यहाँ पर। हाँ। वर्ल्ड में फर्स्ट ही होगा शायद, तो सबसे बड़ा जगह इतने है। हाँ। दीक्षा भूमि है। ठीक है, प्रजातंत्र की जन्म है। ठीक ठीक, प्रथम प्रजातंत्र की देश की ऐसा भूमि कहाँ है। नगर ये तो वैशाली हो गया ना, ये पूरा नगर हो गया वैशाली नगर। यहाँ पर बाबा का समाधि है, ये वैशाली नगर है। अभी हम बाबा से थोड़ा पूछ लिया क्या क्या नहीं है, आप लोग सुना होगा शायद, सो आइएगा, बहुत अच्छा है ये, बहुत बड़ा ये ब्रिटिश का है यह, जो आपको देखने को मिला है। यहाँ पर बाबा जी का समाधि हुई है, ये नीचे दबा हुआ है, और जो इसका साइड में जो पास में है वहाँ पर एक बड़ा म्यूजियम हो रहा है,
मतलब सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा म्यूजियम हो रहा है, वो आपको हो रहा है कंप्लीट, अभी तक नहीं हुआ, अभी तक हो रहा है, आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ओ जा रहा है निवास, विश्व निवास। हाँ हाँ, तो हुआ है कि नहीं, और महावीर की जन्मभूमि देखो, वैसे मिलेगा चौमुखी महादेव, वो सामने मिलेगा, ये सब देखिए, घूमिए, बहुत बड़ा पवित्र भूमि पर पहुँच गए, ऐसा भूमि वैशाली में कहीं नहीं। ठीक है ठीक, ये दल निकल जाएगा, 3 किलोमीटर पड़ेगा, बीच का दाग जो देखल देला होगा वही दागे दागे चल जाएगा। ठीक 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 ठीक, नहीं उधर भी शांति स्तूप देखना है तो उधर। सो वीडियो आज यहाँ तक है, सो वीडियो अभी तक बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट हम लोग भी जा रहे हैं दूसरे जगह में, सो वहाँ का वीडियो आप लोग नेक्स्ट पार्ट में दिखा देंगे।